दर्द प्रकट करने से प्रयोजन क्या है? दर्द झूठा हो या सच्चा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकट करने की आकांक्षा क्यों? घाव को दिखाते फिरने की जरूरत क्या है? बाजार में घाव खोलने का कारण क्या है? सच्चा सही, सच्चे और झूठे में फर्क करने का भी क्या कारण है? क्योंकि प्रयोजन तो एक ही है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि झूठे घाव मत दिखाना, सच्चे हो तो दिखाना, ये मैंने नहीं कहा है। घाव दिखाने की आकांक्षा क्या? और अगर घाव ही दिखाने हो तो सिर्फ दिखाने के लिए सच्चे की आकांक्षा कर रहे हो, फिर झूठे ही दिखा लेना, और झंझट क्यों लेनी सच्चे घाव की? लेकिन दिखाने का रस तो एक ही है कि घाव के माध्यम से सहानुभूति मांग रहे हो, कोई तुम्हारे दुख में सहभागी हो। ये रुग्ण आकांक्षा है, सुख में सहभागी करो। दुख में कोई साथ भी हो गया, कितनी देर साथ रहेगा? तुम जरा इसे ऐसा सोचो, जब कोई तुम्हारे पास आके अपनी दुख की कथा कहता है सच्ची ही सही, तब तुम्हें क्या बड़ी प्रसन्नता होती है कि इनका संग साथ दें? ऊब पैदा होती है कि इनसे कब छुटकारा हो, ये सज्जन कब जाएं? अपना ही दुख क्या कम है कि इनकी दुख की कथा सुनो? किसके दुख में किसको रस है? शिष्टाचारवश तुम सुन लेते हो, ये एक बात है। क्या प्रयोजन है? क्यों चाहते हो कि दुख को कहें? सुख को कहो, सुख को बांटो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर तुम सुख को बांटने लगो तुम्हारा दुख अपने आप तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि सुख बांट के तुम्हें जो प्रेम मिलेगा वो दुख बांट के मिली सहानुभूति से बहुत अन्य है। दुख कह के जो सहानुभूति मिलती वो तो प्रेम का आभास है, वो तो मात्र शिष्टाचार है, सभ्यता है। सुख बांटो, प्रेम चाहो। तुम झूठे को क्यों मांग रहे हो? दुख क्या दिखाना, ये कोई शोभन है बात? घाव क्या उघाड़ने? रास्ते पे तुम देखते हो बैठे भिखारियों को, घाव उघाड़ उघाड़ के बताते। तुमने कभी बड़ा प्रेम अनुभव किया उनके प्रति? गिलानी उत्पन्न होती। तुम भी रुग्ण हो कि अपना दुख दिखाते हो? दुख कोई दिखाने की बात है, एकांत में बैठ जाओ, रो लो, कोई मना नहीं कर रहा है, रेचन कर लो। जिंदगी सोच बने, साजना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज ना होने पाए। आवाज क्या करनी? मगर दिल तो टूटते नहीं और तुम आवाज करते हो। तुम लोगों को ये बताना चाहते हो, देखो हम दिल तोड़ के बैठे हैं, अब तो आ जाओ, सहानुभूति दिखाओ, आंसू बहाओ, हमने दिल तक तोड़ दिया, अब और क्या चाहते हो? जरूर मोहल्ले पड़ोस में से कोई ना कोई आ जाएगा और सहानुभूति दिखाएगा, या तो वो खुद भी रुग्ण है और या फिर सिर्फ शिष्टाचार बस आया है। लेकिन किसको रस हो सकता है तुम्हारे दुख में, तुम्हारे नासूरों में? किसको सौंदर्य का दर्शन करना है? अपने तई रखो, रेचन कर लो, ध्यान करो, एकांत में उनको उघाड़ लो, दीवानों से बात कर लो, पहाड़ों से बात कर लो, वृक्षों से कह दो, मगर आदमियों के सामने घाव मत उघाड़ो। क्योंकि अगर तुमने घाव उघाड़े और उनकी सहानुभूति तुम्हें मिली तो तुम घावों को झूठा करने में लग जाओगे। तुम पक्का न कर पाओगे कहां तक घाव सच्चे थे और कहां झूठे हो गए। तुम घावों को बड़ा करने लगोगे, तुम घावों को रंगने लगोगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं, जरा ढंग से दिखाना चाहिए। तुम कहानी को सजाने संवारने लगोगे, तुम उसमें जोड़ने घटाने लगोगे, और ऐसा नहीं कि दूसरे इस पर भरोसा करेंगे, तुम भी इस पर भरोसा करने लगोगे। बहुत बार दोहराई गई कहानी चाहे झूठी ही हो सच्ची हो जाती। नहीं, दुख की कहानियां मत दोहराओ, डर है कि कहीं तुम्हें उन पर भरोसा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुख ही तुम्हारा व्यवसाय हो जाए, जैसा कि बहुत लोगों का हो गया है। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं, सुख को चर्चा करो, सुख के गीत गाओ। जिसके तुम गीत गाओगे वो बढ़ेगा, जिसकी तुम चर्चा करोगे वो फैलेगा, और जिसकी तुम बार बार चर्चा करोगे उसका तुम पर प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हारी उस पर आस्था बढ़ेगी। तुम आयोजन कर रहे हो महासुख का, अगर तुम सुख की चर्चा करते हो। अगर तुम दुख की चर्चा करते हो तुम महादुख का आयोजन कर रहे हो। अब तुम पूछते हो दमन की जिम्मेवारी किस पर, जैसे कि जिम्मेवारी मुझ पर होगी क्योंकि मैंने कहा दुख मत बताओ। चलो ये भी सही, ये जिम्मेवारी हम ले लेते, छोड़ो तो किसी बहाने सही, ये भी ठीक। दमन के लिए मैंने कहा नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर दुख उछालना तुम्हारा रेचन है। मैं तुमसे कहता हूं कचरा पड़ोसी के घर में मत फेंको। तुम कहते हो तो हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर जिम्मेवार कौन? तुमसे कहा कब कि तुम कचरा मत फेंको, लेकिन कचरा घर है वहां फेंको, पड़ोसी के घर में नहीं फेंकना है। चलते राह चलते लोगों के ऊपर कचरा नहीं फेंकना है, क्योंकि तुम अगर पड़ोसी के घर में फेंकोगे पड़ोसी तुम्हारे घर में फेंकेगा, लेन देन की बात है, तो कचरा बदल जाएगा, छुटकारा कैसे होगा? यही हो रहा है, तुम दूसरों में दुख उंडेलते हो, दूसरे तुम में दुख उंडेलते। बंद करो,
ये नाता बुरा है, इससे एक बीमार समाज पैदा हुआ है। जीवन में सदा स्मरण रखो, सुंदर के लिए प्रेम मांगो, असुंदर के लिए नहीं। सुख के लिए स्वागत मांगो, दुख के लिए नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम स्वागत मांगोगे, अगर स्वागत मिला तो तुम फिर उसे बढ़ाओगे, स्वभावतः। ये तो सीधा नियम है, गणित है। जब दुख के कारण इतना स्वागत मिलता हो तो फिर तुम कफन बांध के घूमोगे, तुम सिर में कफन बांध लोगे। दुख के संबंध में चुप रहो, वो चुप्पी तुम्हारा दुख में जो स्वार्थ है उसको काट देगी। वो चुप्पी दुख से तुम जो मजा ले रहे थे, दुख में जो रस ले रहे थे, उसकी धारा को तोड़ देगी। उससे दुख मरेगा, तुम धीरे धीरे दुखी न रह जाओगे। सुख में नियोजन करो, हमेशा अपना लंगड़ा लूलापन मत दिखलाओ, कुछ सृजनात्मकता दिखलाओ। लंगड़े हो कोई हर्जा नहीं, चित्र तो बना सकते हो हाथ से। अगर किसी का प्रेम मांगना है चित्र बना के, मूर्ति तो गढ़ सकते हो। अंधे हो गीत तो गा सकते हो। ये कठोर लगता है लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, दुख में मेरी उत्सुकता नहीं। दुखवादियों ने बड़े प्रचार किए हैं दुनिया में कि दुखी पे दया करो, मैं तुमसे कहता हूं सुखी पे दया करो तो दुनिया में दुख कम होंगे। इन नासमझों की शिक्षाओं की वजह से दुख बढ़े। वो कहते हैं अंधे लूड़ों के हाथ पैर डाबो, तो जिनको भी हाथ पैर दबाने वो अंधे लूड़े होकर बैठे। तुम अगर चाहते हो कि दुनिया से दुख मिटे, दुख घटे, तो लोगों को ऐसी स्थिति मत बनाओ जिसमें कि उनको दुख में स्वार्थ का हित मालूम होने लगे। श्रेष्ठ को सत्कारो, सुंदर को स्वीकारो, सुख का गुणगान करो। दुख है उसका इलाज करो मगर स्वागत नहीं। दुख है उसको मिटाने का उपाय करो लेकिन सम्मान नहीं। दुख है उसे सहानुभूति दो लेकिन इतनी नहीं कि लगे कि तुम प्रेम में पड़ गए हो। दुखी को यह पता होना चाहिए कि लोग शिष्टाचार संस्कार सभ्यता के कारण सेवा कर रहे हैं, उन्हें सेवा में कोई रस नहीं आ रहा है, मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, करनी पड़ रही इसलिए सेवा कर रहे हैं। जब घर में तुम्हारे कोई बच्चा बीमार हो तो उसे साफ साफ पता चल जाने दो कि तुम्हारी बीमारी में कोई उत्सुकता नहीं, तुम बीमारी को समाप्त करना चाहते। तुम सेवा कर रहे हो क्योंकि बीमारी मिटे इसलिए, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार मत बतलाओ, गले मत लगाओ, सिर मत सहलाओ। बच्चे को कहीं ये भ्रांति मत दे दो कि जब वो बीमार होता है तब उसे प्रेम मिलता है। अगर ये एक दफा उसके मन में भाव आ गया कि जब मैं बीमार होता हूं तब प्रेम मिलता है, जब मैं स्वस्थ होता हूं तब कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, तुमने एक जहर का बीज बो दिया। अब ये बच्चा बीमार होना चाहेगा। अब जब जब भी इसको प्रेम की कमी मालूम होगी जीवन में ये बीमार पड़ जाएगा। पूछो मनोवैज्ञानिकों से, वो कहते हैं 50 से लेकर 70% बीमारियां झूठी। मैं तुम्हें एक अलग ही जीवन दृष्टिकोण दे रहा हूं। दृष्टिकोण पूरा ये है कि बीमारी है माना, होनी नहीं चाहिए। बीमारी है माना, मिटाने का उपाय करेंगे लेकिन इसके साथ प्रेम इत्यादि को पागना उचित नहीं। दुनिया बहुत सुंदरतर हो सकती है।